हादसा। दूसरों के साथ हो तो बस खबर है, अपने साथ हो तो दुर्घटना। देखिए सुपर क्राइम टाइम, अपना ख्याल रखना। एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, मोहम्मद शाहिद हॉकी प्लेयर जिनकी मृत्यु हो गई है, ये खबर आ रही है। मशहूर हॉकी खिलाड़ी मोहम्मद शाहिद काफी दिनों से बीमार चल रहे थे और ये खबर अभी अभी आई है कि अब उनकी मृत्यु हो गई है। वाराणसी के रहने वाले थे, 56 साल उनकी उम्र थी। हॉकी प्लेयर, मशहूर हॉकी प्लेयर काफी दिनों से बीमार चल रहे थे और अब खबर ये आ रही है कि उनकी मृत्यु हो गई है। मोहम्मद शाहिद हॉकी प्लेयर, 14 अप्रैल 1960 में उनका जन्म हुआ था। इंडियन हॉकी प्लेयर थे और आपको बता दें कि एक बड़ा नाम। 1980 में मॉस्को में ओलंपिक गेम्स में भी अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई थी और वाराणसी के रहने वाले थे। विमल हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हमारे खेल संपादक। विमल, आपसे जानना चाहेंगे, एक बहुत ही दुखद खबर है, हालांकि काफी समय से बीमार चल रहे थे मोहम्मद शाहिद। बिल्कुल, एक तरह से देखा जाए हॉकी जगत के लिए और पूरे खेल जगत, भारतीय खेल जगत के लिए बेहद शोक वाली ये खबर है। हालांकि लंबे समय से, पिछले कई हफ्तों से बीमार चल रहे थे और तमाम बड़े हॉकी के जो दिग्गज खिलाड़ी हैं लगातार हॉस्पिटल में उनसे मिलते आ रहे थे और उम्मीद थी, एक उम्मीद की किरण थी कि शायद उनकी स्थिति बेहतर हो जाए, लेकिन कोमा में काफ़ी दिनों से चल रहे थे। और इस दौरान बड़े बड़े खिलाड़ी, आप चाहे उनके समकालीन कहें, खासकर जो उनके साथ खेले हुए और उस एरा के खिलाड़ी रहे जब भारतीय हॉकी अपने परवान पे थी, तो एक तरह से देखा जाए शायद नई पीढ़ी को बहुत ज़्यादा उनके बारे में पता ना हो, लेकिन अगर देखा जाए एक अपने आप में मोहम्मद शाहिद, खासकर उन्होंने जिस तरह से वाराणसी को वर्ल्ड मैप पे लाया, वाराणसी के खिलाड़ी मशहूर खिलाड़ी रहे, तो भारतीय खेल के लिए एक तरह से देखा जाए बहुत बड़ी शोक वाली खबर है। बहुत बड़ी क्षति हॉकी के लिए भी, बड़ी शोक की खबर भी है। मोहम्मद शाहिद जो कि हॉकी प्लेयर थे, पूर्व हॉकी प्लेयर और ड्रिबलिंग स्किल्स के लिए काफ़ी जाने जाते हैं, लिवर की बीमारी थी, प्रॉब्लम थी, जिस वजह से वो काफ़ी समय से बीमार भी थे और गुरुग्राम में मेदांता अस्पताल में एडमिट थे, लेकिन वहीं पर उन्होंने आखिरी सांस ली। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।